आपको बता दें कि शाहजहांपुर की पुलिस लाचार हो गई, मजबूर हो गई, मंत्री के दबाव में, सत्ता के दबाव में मजबूर हो गई। हालांकि जिला अधिकारी महोदय ने आदेश दिया था कोई भी धारा नहीं कटेगी, कप्तान ने भी कहा था, चनप्पा ने भी कहा था कि कोई धाराएं कम नहीं होगी, लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में आपको बता दें जिला प्रशासन मजबूर हो गया। बीते दिनों की घटना हम आपको दिखा रहे हैं, 28 तारीख को पत्रकार के साथ अभद्रता की गई, हमला किया गया, कैमरा तोड़ दिया गया, जिला अस्पताल में आईसीयू में पत्रकार भर्ती रहा, लेकिन ये आप देख रहे हैं उस समय विवेचक अशोक कुमार पत्रकार के बयान लेने गए और आईसीयू में जाकर पत्रकार ने बयान दिए, लेकिन बयान देने के बाद और आपको बता दें कि धरपकड़ चालू हुई जिसमें चार मुलजिम पकड़े गए, जो आप देख रहे हैं चार मुलजिम, अजीम, दानिश, पप्पू और मोइस पकड़े गए। चार मुलजिम पकड़ने के बाद दो मुलजिमों को पुलिस ने जानबूझ के छोड़ दिया, जिससे वो सीधे हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में अरेस्ट सिस्टम मांगा। हाईकोर्ट ने अरेस्ट सिस्टम देने से इनकार कर दिया, कहा दो सप्ताह में जाकर जमानत कराइए और जमानत करने के बाद फिर उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई होगी। इधर धरना प्रदर्शन पत्रकारों ने कहा कि 394-307 नहीं अड्डा चाहिए, लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस ने, विवेचक ने आज फिर छेड़छाड़ की। संजय कुमार मिश्रा आप देख रहे हैं, संजय कुमार मिश्रा पत्रकार की तरफ से वकालत करने जा रहे हैं, पत्रकार के अधिवक्ता संजय कुमार मिश्रा और अधिवक्ता साथ में जा रहे हैं पत्रकार की तरफ से, और सीजीएम कोर्ट में जाके बहस हुई, लेकिन बहस होने के बाद सोमवार तक के लिए टल गया मामला। आप देख रहे हैं संजय कुमार मिश्रा एडवोकेट जो कि बीते महासचिव भी रह चुके हैं बार एसोसिएशन के, संजय कुमार मिश्रा अपनी टीम के साथ गए, जाने के बाद में उन्होंने आपको हम आगे सुनवाएंगे कि विवेचक ने क्या आज कोर्ट में विवेचक द्वारा धारा 307 394 उनमें से हटाने के लिए दरखास्त दी गई और औद्योगिक किरणों को जेल से तलब करने के लिए न्यायालय में रिक्वेस्ट की गई, जिस पर अभियुक्त गण के अधिवक्ता और मैं वादी की तरफ से पेश हुआ। विवेचक का कहना था कि धारा 307-394 का अपराध नहीं बन पाया गया, तो हमारे द्वारा ये तर्क रखा गया कि जो पत्रकार दिन पत्रकार के साथ मारपीट की गई, जानलेवा हमला किया गया और 394 में उनके कैमरे की लूट की गई, वो कैमरा बरामद होकर थाने में रखा हुआ है। तब विवेचक का ये कहना था कि कैमरा इन्होंने खुद ही कलेक्ट्रेट में फेंक दिया। विवेचक पूरी तरीके से अभियुक्त गण से मिले हुए हैं और उनसे मिलके किसी तरीके से भी दबाव में या लाभ लेकर इस मुकदमे को मिनिमाइज करना चाहते हैं। आपत्ति के लिए हमारे द्वारा समय मांगा गया तो अदालत ने इसमें सोमवार की तारीख निश्चित की है। हमने ये भी कहा है कि 161 विवेचक ने हमारे हिसाब से नहीं लिखे जो हमने उन्हें दिए हैं, उन्होंने 161 के बयानों के साथ छेड़छाड़ की है। हम न्यायालय में 11 तारीख को सोमवार की डेट फिक्स है, उसमें एफिडेविट वादी के और गवाहों के देंगे, उसमें साबित होगा कि विवेचक जो है अभियुक्त गण से मिले हुए हैं। और उसके बाद पत्रकार ने सीधे शासन को लिख के भेजा है कि मेरी विवेचना बदली जाए, सदर थाने के अलावा किसी और थाने से कराइए, जबकि इस मामले में चनप्पा से भी कहा गया था, जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन फिर भी शासन के दबाव में, सत्ता के दबाव में यहाँ की पुलिस लाचार और मजबूर हो गई। तो आखिरकार पत्रकार ने गुहार लगाई है, शासन स्तर को सूचना दी है कि मेरी विवेचना सदर थाने से हटाकर और किसी थाने से की जाए, अगर पत्रकार का कहना है न्याय नहीं मिला तो आगे और लड़ाई न्याय की लड़ी जाए। देश और दुनिया के लिए हमारी वेबसाइट को भी लॉगिन कर सकते हैं, www.worldmediatimes.com लॉगिन करो, खबर देखें, हम दिखाएंगे आपको सच का आईना। इस न्यूज के प्रायोजक भागरथी कमला, होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज प्रताप चौमुखा कठेरी अम्बेडकर नगर।